अर्जुन लाल जी, चेयरमैन साहब आरएसएससी, श्री शंभू सिंह जी, श्री भीमा भाई और श्री जगमोहन सिंह जी बघेल, चेयरमैन राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, और गोवर्धन जी राय का राजस्थान पशुपालक कल्याण बोर्ड, माननीय सब मंत्रीगण, सब सांसदगण, सब विधायकगण और पधारे हुए सब भाइयों और बहनों, मुझे सबसे पहले भाइयों और बहनों ये बताओ कि आवाज आ रही है ना पीछे? आप जोर से, मेरे को सुनना ही नहीं दे रहा, हाँ या ना? क्योंकि इतना अच्छा यहां गाना बजाना और वो सब यहां हुआ, इतने सारी चीजों के बारे में इतने सारे लोगों ने बात की और आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, तो मैंने अभी प्रभुला जी को यही कहा कि वहां तक ये आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, कि ये सब को जो भी आप कर रहे हो आज उदयपुर के अंदर, वो तीसरी बार में हम ये ग्राम का एक इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, और कर रहे हैं हम सिर्फ हमारे किसानों के लिए। हम चाहते हैं कि किसानों के मन में ये चीज बैठ जाए कि हम किसी से कम नहीं है, इसलिए इतने सुंदर तरीके से ग्राम का आयोजन ये तीसरी बार उदयपुर जगह उदयपुर संभाग के अंदर होने रह रहा है। तो आप तक अगर ये बात पहुंच रही है तो मेरे को हाथ ऊपर करके बता दो कि हाँ हम तक ये आवाज आ रही है। मैं आप लोगों को ज्यादा देर तक रखना नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैं भी जानती हूं कि आप लोग सब इस कोशिश में हो कि हम ग्राम के अंदर क्या क्या हुआ है उसको देखने का हमें मौका तो मिले। मैं भी समझती हूं कि इस ग्राम का जयपुर के अंदर कुछ किसान आए थे, उनको कैसा फायदा मिला। एक ने बताया कि पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की टेक्निक उसने सीखी और अब वो 5 लाख रुपए अपने छोटे से खेत से कमा रहा है। एक ने बताया कि हमने जयपुर के अंदर गांव के अंदर जो काम सीखना था कि खीरे का फसल कितने जम हम बढ़ा सकते हैं, तो 9 लाख के खीरे का फसल अब वो अपने खेत से निकालने का काम कर रहा है। झालावाड़ में सीख के आया एक व्यक्ति, प्रभुलाल जी जो हमारे वहां के गांव के हैं, प्रभुलाल जी जो हमारे गांव के हैं, और उन्होंने मेरे को यह बताया कि जैविक खेती जो उन्होंने यहां सीखा उसकी वजह से आज उनका खेत बहुत अच्छा और उपजाऊ बन चुका है। इस तरीके से मैं ये कहना चाहती हूं कि ग्राम का, ये तीन ग्राम का, एक और चौथा ग्राम अपन करने जाएंगे, ये तीन ग्राम के अंदर हम तीन संभागों के अंदर बहुत अच्छी हवा हमारे किसानों के बीच में लाने की कोशिश में रहें, और मैं समझती हूं कि इसका फायदा आप लोग सबको मिला है। अब मैं 2-3 चीजों के ऊपर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जिन लोगों ने ग्रीन हाउस और पॉली हाउस और शेड नेट वगैरह बनाए हैं उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि खेतों पर 40 लाख तक के, प्लीज जस्ट टेक इट अवे, 40 लाख तक के जो आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 50% लोन के ऊपर आपकी छूट है, माने 20 लाख रुपया हम आप लोगों को देने वाले हैं। वो आपके पास मैंने बार बार कहने की कोशिश की है, आप अपने खेतों के ऊपर लगाइए, 40 लाख तक लगाइए और 20 लाख की उसके अंदर छूट पाके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। मैं समझती हूं कि बहुत सारे किसानों ने ये काम भी किए हैं और बीज, फर्टिलाइजर और आपके पैकिंग, मार्केटिंग, इसके लिए NHM माने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से उनको 12 लाख सब्सिडी के रूप में मिला है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज मैं अभी पूछ ही रही थी कि MOUs कितने आपके बने हैं, तो उन्होंने मेरे को यह बताया कि प्याज के ऊपर, वेजिटेबल के माने सब्जी के प्रोसेसिंग के ऊपर, ग्रीन हाउस के फार्मिंग के ऊपर, बीज के प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर, बायोगैस प्लांट के ऊपर, और आपका वेयर हाउस, कोल्ड चेन और ग्रेडिंग के ऊपर हम कल और या आज MOU करने जा रहे हैं, और कल किनुआ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा MOU हम लगाने जा रहे हैं। अभी सुनाई दे रहा है तो बताओ, ये ठीक लगा तो बताओ मेरे को, ठीक लगा हां कि ना? हां तो ठीक लगा तो फिर मैं और आगे बढ़ूं। जैतून की पत्ती भाइयों,
गेहूं 17.5 रुपया किलो के हिसाब से और जैतून की खाली पत्ती 51 रुपया किलो, समझ लो 51 रुपए किलो आपको मिल रहा है। और इसमें से जो निकल के आएगा करीबन 12 कैंसर की दवाइयां इसमें से निकलने वाली हैं। कितना बड़ा फायदा और कितने सारे काम हम राजस्थान के अंदर कर सकेंगे ये आपने को बताना चाहूंगी। एग्री टूरिज्म एक बहुत बड़ी चीज है और मैं आप लोग सब किसानों को यह बताना चाहती हूं कि हमारे छोटे से होटल पे जब बाहर के लोग आते हैं तो हमारी भी बड़ी खेती है वहां, तो हम जब उनको कहते हैं कि गाय को धोना चाहते हो, दूध निकालना चाहते हो गाय का, या जाके आप खुदाई करके बीज डालना चाहते हो, तो पूरे के पूरे लोग खेतों के अंदर उतर जाते हैं। मैंने देखा कि हमारे जंगलों के अंदर जो रणथंभौर जैसे जंगल हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मैंने देखा, वो बता रहे थे मेरे को, वहां पूरे के पूरे लोग उतर के जंगल में घास कटाई का काम जो ऑर्डिनरी लेबर करती है वो करने को तैयार है। तो भाइयों, अपने यहां एग्री टूरिज्म माने हाथ की बनी हुई बाजरे की रोटी के साथ साथ आप लोग कुछ सब्जी अच्छी सी बना के दोगे, आदमी आएगा आपके क्षेत्र के अंदर, आपके यहां बैठेगा, आपके साथ काम करेगा और एग्री टूरिज्म पूरे राजस्थान के अंदर बनाने का काम करेगा, यही अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात। सोजने की फली जंगली उगता है, हमको लगता है कि सोजने की फली पे हमको क्या मिलने वाला है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि वही जंगली सोजने की फली का आज कितने अलग अलग किस्म है, 12 किस्म है। और अगर वो 12 किस्म आप लगा दो तो खाली लगाने की जरूरत है, तो उसमें से जो वो आपने कुछ सोचने की फली मिलती है उससे इतनी जोरदार दवाइयां मिलती है कि दुनिया के लोग आके सोचने की फली खरीदने की तैयारी में खड़े हैं। उतना अपने को मुश्किल नहीं है, अपन ये भी लगा सकते हैं। अब कुछ चीज आपको मैं बताऊं जहां लोनिंग की वजह से हम लोगों को फायदा हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पिछले जो 3.5 वर्षों में करीब 55,000 करोड़ रुपया का ब्याज मुक्त फसली ऋण हमने दिया है, जो देश में सबसे अधिक है आज तक। और हमारी कोशिश है कि 5 वर्षों के अंदर हम इसको 75,000 करोड़ तक ले जाएं, ब्याज मुक्त फसली ऋण, और वहां तक अगर हम पहुंचा देते हैं तो यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा। पिछली सरकार ने अपने 5 वर्ष के अंदर मुश्किल से 25,000 करोड़ रुपए दिए थे, कहां 75,000 करोड़ रुपए और कहां 25,000 करोड़ रुपए। 3.5 वर्ष के अंदर मध्यकालीन जो ऋण है वो 1,654 करोड़ रुपया लोगों को हमने बांटने का काम किया है। और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास बैंक और जिला सहकारी बैंक ये ब्याज दर को लगातार हम लोग घटाने का काम कर रहे हैं, जो पिछली सरकार के टाइम में ये 12% या 12% से अधिक हुआ करता था, वो अपने समय में पहले 7% हुआ, अब 6.7% है और कुछ ही दिनों में इसको हम लोग 5.5% को पे लाके छोड़ने का काम करने वाले हैं। और इसका मैं आज यहां आपके सामने घोषणा करना चाहती हूं, 5.5% पे इसको लाके हम छोड़ेंगे। ऋण लेने वाले जो भी किसान है अगर उनकी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत हम लोग बीमा आप करवा रहे हैं, पिछले शासन के अंदर अगर दुर्घटना होती या दुर्घटना में मृत्यु होती तो मुश्किल से उसको 50,000 रुपए मिलते, आज 12 गुना बढ़ा के उसको 6,00,000 रुपया कर दिया है और आने वाले अगले वित्तीय वर्ष के अंदर ये 10,00,000 रुपए तक चला जाएगा। तो हमारे किसानों को दुर्घटना से या किसी भी ऐसी हालत में एक्सीडेंट से इनको प्रॉब्लम हो जाती है तो ये पैसे उनको मिलेंगे और ये 25,00,000 किसानों को इस बीमा योजना के साथ जोड़ने का काम इस साल हम करने जा रहे हैं। इस बीमा के जो वार्षिक माने हम किश्त देते हैं वो पूरे टोटल 55 रुपए हैं। अगर पंजाब में जाके देखो तो पंजाब के अंदर 120 रुपया और वो पूरे के पूरे किसान देता है जबकि उसको 5,00,000 रुपए मिलते हैं। हरियाणा के अंदर 50,000 रुपया ही बीमा में मिलता है और यहां राजस्थान के अंदर
55 रुपए देने पड़ते हैं, जिसमें से 27 रुपया तो आप दोगे और 27 रुपया जानने आधी राशि सहकारी बैंकों के द्वारा जमा कर दिया जाएगा, तो 27 रुपया के अंदर आपको 10 लाख रुपए का बीमा बनने का एक लगाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। कृषक साथी योजना एक और योजना बनी है, जिसमें पहले हम लोग 1 लाख रुपया दिया करते थे ये सहायता के तौर पे, अगर कोई सांप ने काट लिया क्या खेत के अंदर दुर्घटना हो गई, तो अब हम 2 लाख रुपया दे रहे हैं और खेती और मजदूर के बीच में ऐसे हमने 125 करोड़ रुपया अब बांट दिए हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहती हूं कि मिल्क यूनियंस में इस बार हमने 100 करोड़ रुपए का फंड अलग से बना रखा है, और इसलिए बना रखा है कि 9 लाख दुग्ध उत्पादों को सीधा सीधा लाभ मिले, अगर उनके दूध उत्पादन में कोई कमी हो रही है तो ऐसी स्थिति में उनको मदद करने का पूरा पूरा उस फंड से हम मदद करेंगे। और सबसे अच्छी बात, और मैं धन्यवाद उनको देना चाहती हूं, टाफेल को, महिंद्रा की कंपनी को, जिन्होंने लघु और लघु सीमांत कृषकों के लिए कृषि उपकरण उपलब्ध कराने का काम किया है, माने कस्टम हायरिंग राजस्थान के अंदर अब शुरुआत हो गई है। और मैं ये बताना चाहती हूं कि 2652 ऐसे सेंटर पूरे राजस्थान में बनेंगे, जो इस वर्ष 750 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, और 3 साल के अंदर आपको ये 2652 वहां खड़े आपको दिखाई देंगे। जनजाति भाइयों की मांग को देखते हुए 26 वन उपजों को ट्रांजिट परमिट से हम लोगों ने मुक्ति दिला दी है, मने कहा तेंदू फल, कहा रचनजोत बीज, कहा आंवले का फल, कहा महुआ का बीज, ऐसे करीबन आपके 26 ऐसे वन उपज हैं जिसमें अब आपको ट्रांजिट परमिट से मुक्ति मिल चुकी है। और मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि अभी जनजाति क्षेत्र के अंदर कृषि कुओं के निर्माण के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मेरे से बातचीत की थी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि महानरेगा की योजना के अंदर हमने 15,000 कृषि कुओं की स्वीकृति जारी कर दी है, इनमें से 2,000 तो ऑलरेडी निर्माण उनका हो चुका है और 11,500 कुओं का निर्माण कार्य अब प्रगति पर है, और बाकी कार्य जो प्रगति प्रक्रियाधीन है वो भी टाइम में हम लोग करा के कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा जनजाति क्षेत्र के अंदर हमने सर्वे करके 15,000 कुएं जो अपूर्ण हैं उनको हाथ में लिया है। इन सभी 15,000 कुओं को हमारी सरकार अब जनवरी से काम चालू करेगी और उसको पूरे करने का काम चालू कर देगी। इसकी स्वीकृतियां जारी अब की जा रही हैं। इसके साथ साथ जनजाति भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोटड़ा, लसाड़िया और बलीचा यहां लघु वन उपज मंडी प्रांगणों की प्रारंभ हम कर रहे हैं। कोटड़ा में 2,05,00,000 रुपए की लागत से आधुनिक मंडी यार्ड अब स्वीकृत हो चुकी है, जिसका शिलान्यास इसी कार्यक्रम में आपने देखा था। उदयपुर शहर में बढ़ते व्यापार को देखते हुए और यातायात के प्रेशर की वजह से मंडी प्रांगण में स्थान की कमी होने की वजह से बलीचा में 125 बीघा भूमि हमने देके 107 करोड़ रुपया की लागत से वहां बहुत ही सुंदर एक आधुनिक मंडी आपकी वहां प्रारंभ हो रही है। सबीना मंडी, वहां आधुनिक एग्रो ट्रेड टावर 14 करोड़ की लागत से बहुत उसकी स्वीकृति हो गई है और बहुत जल्दी इसका निर्माण भी चालू हो जाएगा। मक्का की फसल की प्रोसेसिंग, उसका डाइवर्सिफिकेशन और उसका मूल्य संवर्धन के अनुसंधान के लिए सेंटर और एक्सलेंस बांसवाड़ा में खोला जाएगा और उसके लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हमने किया, हम करने वाले हैं। इसी तरीके से अभी 20 नवंबर से प्रत्येक ग्राम पंचायत पर हम लोग दीनदयाल जी के शिविर, जन कल्याण शिविर अब आयोजित करने जा रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में जो मिलने वाले लाभ का सत्यापन है वो किया जाएगा और पात्र व्यक्ति को चिन्हित करके उसको लाभान्वित करने का काम हम करेंगे। ये काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। इस अभियान के प्रथम चरण में हरेक लाभार्थी के घर पे जाके मिलके उसको वास्तविक लाभ मिला कि नहीं उसके सत्यापन हम करेंगे, और द्वितीय चरण में उसके तुरंत बाद चिन्हित की गई जो कमियां हैं वो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे 2 दिन के शिविर को
करके हम दूर करने का काम करेंगे। तो जो पात्र भी जो छूट गए हैं उनको भी जोड़ने का काम हम करेंगे। और आखिर में जो तृतीय चरण है इसमें समुचित समीक्षा करेंगे और सुनिश्चित यह किया जाएगा कि कोई भी लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रह जाए, उसकी भी एक समीक्षा करने का काम हम करेंगे। अब पानी के बारे में भाई साहब गुलाब जी आपने अभी ये बात उठाई थी, मैं इसके बारे में फिर से आप लोगों के सामने इस बात को उठाना इसलिए चाहती हूं कि हो सकता है कि आपने बोर्ड पे उसको पढ़ा नहीं होगा। उदयपुर संभाग की माही, जयसमंद, सोम कागदार और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना के पुनरुद्धार का काम फिर से शुरू किया जाएगा और इसमें 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों का फायदा होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त उदयपुर जिले के अंदर दलियावाव, सगतपुर, अलूना, कबड़िया एनिकट, हाथियों का नाका, तालाब, बांसवाड़ा में खोरापाड़ा, बगायचा, काचला खेली, सरवनी एनिकट, चित्तौड़गढ़ के पिंड बांध के नहरों के निर्माण, प्रतापगढ़ में पचेवा तथा बोरदिया एनिकट, डूंगरपुर में माटोली माइनर पर एक्वाडक्ट और भीखाभाई सागवाड़ा परियोजना में 5 किलोमीटर नई नहर का निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। साथ ही भैसोर का नाका, मेल बांध, रेलपाड़ा, बक्तावरपुरा, गेकपुरा और मर्मी एनिकट के पुनरुद्धार का काम भी हम लोग कराने वाले हैं। जल संसाधन विभाग ने इन सब कार्यों के ऊपर अभी 373 करोड़ रुपए खर्च करने का मन बनाया है। मैं आपके यहां ये बताना इतना ही चाहूंगी आप सब लोगों को कि आज जो लोकार्पण का उद्घाटन हुआ है उसमें 42 करोड़ रुपया, जो शिलान्यास हुआ है उसके ऊपर 381 करोड़ रुपया और 30 करोड़ रुपया अलग से आपके जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने हैं, टोटल आज 453 करोड़ रुपया का काम या तो उसका लोकार्पण हुआ है या उसका शिलान्यास आज आप लोगों के सामने हुआ है। मैं ये भी मानती हूं कि जो भी काम अपन करने जाते हैं वो काम बिना रोड के तो होते ही नहीं, और इसीलिए जो छितराई हुई बस्तियां हैं जिसको आप लोग फले कहते हो उनको शहर के और मुख्य सड़क से कैसे जोड़े उसका कार्य भी हम लोगों ने हाथ में लिया है। हमारी जनजाति भाई बहने बच्चे स्कूल में आसानी से पहुंच सके और किसान अपनी फसल को मंडी में ले जा सके, इन सब जनजाति क्षेत्र के फले को जोड़ने का कार्य और राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग से उनको जोड़ने का कार्य हमने अपने हाथ में लिया है। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोटल हम लोग 1,186 करोड़ रुपया अभी खर्च करने जा रहे हैं और इसमें करीबन 3,167 किलोमीटर अभी बनाने का काम हम लोग हाथ में ले रहे हैं। और मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं जो पहले आपका अनाउंस हो चुका है, आपके नितिन गडकरी जी यहां आए थे, उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट भी किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। मैं जो आपके अभी तक गौरवपत हुए हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण है, उनका भी मैं नहीं कह रही। मैं अभी तक जो हमने आपके सामने घोषणाएं की हैं, क्या बोलते हैं, मिसिंग लिंक, उसकी भी मैं बात नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं उन चीजों की जो नए सिरे से नई बातें हमारे पास आई हैं, वो 1,186 करोड़ और 3,167 किलोमीटर और 1,316 काम अब अपने हाथ में लेके इसको पूरा करने का काम हम करने वाले हैं। ये पूरा काम इस 1 साल के अंदर हम पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और मैं फिर से आपको ये कहना चाहती हूं कि ये काम जो हमने हाथ में लिया है, हमने माना है कि किसान हमारे राजस्थान में पार्टनर है और उस किसान को जब तक हम अपने पैर पर नहीं खड़ा करेंगे और उस किसान को मजबूत जब तक हम नहीं करेंगे तब तक राजस्थान आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आपको, गजेंद्र सिंह जी को, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी चुनाव में भी आप लगे हो और उसके बाद आपको दिल्ली के अंदर भी काम है, परंतु आपने हमेशा पूरी तरह से हमारी मदद की। अभी मूंग, उड़द और सोयाबीन का पहली दफा इतने जोरदार तरीके से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर समर्थन मूल्य पर उसको निकालने का काम, लेने का काम किया है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि राज्य के इतिहास में पहली बार एक साथ चार
मूंग उड़द सोयाबीन और मूंगफली की खरीद की जा रही। प्रदेश में अब तक समर्थन मूल्य के खरीद के केंद्र 139 से ज्यादा कभी नहीं रहे, आज 191 हैं जो खरीद केंद्र हैं और करीबन ये 52 केंद्र बढ़ाए गए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आपको कि आपने जब हमने मांग की आप मने तुरंत ही आपने टेलीफोन ही नहीं उठाया परंतु टेलीफोन से सबसे बात करके और बहुत ही जल्दी हम लोगों को चिट्ठी भेज के और अपने लोगों को बता के वो काम चालू करवा दिया ताकि 2 अक्टूबर से ही 2 अक्टूबर से ही हमने ये काम अपने पूरे राजस्थान क्षेत्र के अंदर करने का काम किया। मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद यहां देना चाहती हूं। अब 2 काम रह गए हैं, एक तो वेयर हाउस से मंडी तक लाने का काम, कोल्ड चेन, ये अपने लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, जो फल या सब्जी बिगड़ जाती है वो 2 दिन से ज्यादा रहती नहीं है, उसको किस तरीके से 10 दिन तक लाने का काम हम करेंगे। अभी गजेंद्र सिंह जी से मेरी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि हमारे है अनुसंधान हुए हैं, मैं बात करूंगी, दिल्ली जाऊंगी तब देखूंगी और अगर ऐसा कोई है तो उसको राजस्थान में लाके हमारे किसानों के फल और सब्जियों को मार्केट तक पहुंचाने का काम और 10 दिन की और जिंदगी उसको देने का काम, उसमें हम लोग सब लगेंगे। मैं प्रभुलाल जी आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, आपने ये तीसरा है, आपके सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आपका डिपार्टमेंट, पहले ग्राम के अंदर हम लोग सबने मिलकर काम किया परंतु जिस तरीके से आपने इस ग्राम को कोटा के अंदर और फिर उसको उदयपुर के अंदर और आने वाले समय के अंदर जो अगला क्षेत्र है, जो अगला संभाग है, वहां ले जाने का काम मुझे विश्वास से करोगे, उसके लिए मैं आज के दिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि हर बार ये बेटर ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। और फिर इस विभाग ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई है और जोरदार तरीके से नए नए चीजों के अंदर काम करने का पूरा बीड़ा उठाया है। मैं विश्वास ये करती हूं कि अपने पास अभी 1 साल और है, इस 1 साल के अंदर आप ऐसी उड़ान भरोगे, आपका जो विभाग है वो इस तरीके से उड़ान भराएगा, यानी किसानों को ऐसा रास्ता दिखाएगा कि राजस्थान का किसान इस सरकार को और आपके विभाग को बार बार याद करेगा कि यहां से ही काम ये चालू हुआ था। सो मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं फिक्की को अगर धन्यवाद नहीं दूंगी तो मैं समझती हूं कि ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आज फिक्की के सब अधिकारियों को, मिस्टर बारू, यू आर विथ अस फॉर द फर्स्ट टाइम टूडे, वेयर आर यू, यू आर हियर विथ अस फॉर द फर्स्ट टाइम and this has been done twice before, I want to actually welcome you to something that is absolutely amazing and different to what you've seen. I'm sure ki aap log bahut sare kisan ke sammelanon mein gaye ho parantu is jaisa mujhe vishwas hai ki aapne kabhi dekha nahi, aur ye ek nahi, 2 nahi, ye 3 hai aur chautha bhi hum log karenge kyunki hum chahte hain ki Rajasthan ke kisanon ko टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम एक जोरदार तरीके से हो। सो मैं आपको और आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, फिक्की को धन्यवाद देना चाहती हूं। योर एक्सीलेंसी, ऑल ऑफ यू, आई हैव टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर बीइंग हियर टुडे विद अस। ऑल द सीईओज ऑफ द वेरियस कंपनीज, वेदर इट्स इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान जिंक, वेदर इट्स एनसीडीएक्स ईएमएल, whether it's ITC, whether any of these companies, I want to say thank you to all of them. And also I want to say thank you to the Embassy of Brazil, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Embassy of Argentina, the Minister, the Embassy of Peru, the Embassy of the Russian Federation, the Embassy of the Socialist Republic of Vietnam, and the Embassy of Spain. Thank you, Your Excellencies, for all being here with us today. मैं सबको कह रही हूँ कि आपके बिना हमारा पार्टनरशिप नहीं होता। Without you, this partnership would have been incomplete. That you are here with us strengthens Rajasthan's resolve to do better and better as we progress down the road of prosperity for the farmers.
इसके साथ साथ आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू मिस्टर अरविंदा रॉय, टू मिस्टर सरत मुलुकुतला, हु इज चीफ कमर्शियल सेगमेंट ऑफ एनसीडीएक्स, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स एंड एमडीएलटीसी. आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर बींग हियर विथ अस. आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग मेड टूडे. और मेरे सब जिन लोगों ने आज सुंदर से कार्यक्रम के अंदर भाग लिया था, उन सब लोगों को मुझे इतना गर्व होता है जब मैं आपका गाना बजाना और आपका ये सुंदर सा नृत्य देखने को मिलता है. और मैं मुझे लगता है कि ये खाली मुझे नहीं परंतु जो इसको देखते हैं उनके सबके मन में ये गर्व पैदा हो जाता है. यहाँ बैठे हुए सब लोग, मंत्री लोग, सब जो भी हैं, मुझे विश्वास है कि आपके मन में भी ऐसे ही लगा जब हमारे लोगों ने ये नृत्य और संगीत आपके सामने रखने का काम किया. मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, पर सबसे ज्यादा मैं हमारे किसानों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने समय निकाल के ये 3 दिन के कार्यक्रम में हमारा साथ देने का लिया है. और मुझे विश्वास है कि यहाँ से जब आप वापस अपने अपने गांव में जाओगे तो बहुत कुछ सीखकर, बहुत कुछ समझकर और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेकर जाओगे. आज सबसे आप लोगों से सबसे मुलाकात होने का ये मुझे बहुत बड़ा मौका मिला, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ. फिकी को, प्रभुलाल जी आपको, आपके पूरे विभाग को, गुलाब जी भाई साहब, आप लोग सबको थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे. ऑल ऑफ यू हु आर हियर फ्रॉम द वेरियस एम्बेसीज, थैंक यू सो मच. मैं माननीय मुख्यमंत्री को उनके मार्गदर्शन और उनके उद्बोधन के लिए धन्यवाद देती हूँ. और अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं फिक्की के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर संजय बारू को आमंत्रित करती हूं. मैडम चीफ मिनिस्टर, एक्सलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन. मैडम चीफ मिनिस्टर, यू हैव डन माय जॉब. इन योर रिमार्क्स यू हैव थैंक्ड एवरीबॉडी. And therefore, I need not repeat what you just said, which is to thank each department of your own government, to thank my own colleagues, to thank all the industries gathered here, and to thank all of you for being our partners. Let me take this opportunity to make 2 remarks. Many of you would have seen the name of Fiki on all these tents and the number 90 written below it. And I've often been asked, what is this number 90? In 2017, Fiki is 19 years old. It was started in 1927 when Mahatma Gandhi called Ghanshyam Das Birla, a proud son of Rajasthan, and J.R.D. Tata to come together and join the national movement and build an organization that would build India. It was the first Make in India slogan from the Mahatma himself. And Fiki is the product of that nationalist sentiment. We rededicate ourselves every year to building a new India, a strong India. Fiki, yesterday I was in Mumbai launching the Fiki's annual banking summit. We had the leadership of the Central Bank, the chairman of the State Bank of India, all the leading bankers with us. Today I am here in an event in which we have thousands of farmers joining us. Day after tomorrow, I am at a function where Fiki is working with the Ministry of HRD to empower the Indian education sector. Right now in Calcutta, we are organizing a program on the sports industry. Later this month, we partner with the government of Telangana to organize the Global Entrepreneurship Summit. Last month, I was with Finance Minister Arun Jaitley in Washington, D.C., where Indian leader, business leaders and the Ministry of Finance were addressing global investors. I mention all this to make the point that Fiki has a large array of activities, and supporting the Gram program in Rajasthan is one of our proud activities because it's a program that takes Fiki from the heights of global investors, from the heights of national, of the banking leadership, to the common agricultural farmer. And this bridge has been provided to us by the Chief Minister of Rajasthan, Madam Vasundhara Raje, and we are very grateful to her for this opportunity to work with the agricultural sector.
This is one of the few strong agricultural programs of FICCI. Finally, let me thank my own colleagues, Mr. Vinay Mathur and his team, which have consistently put up a good show. We are very proud to be associated with this program, and they will continue to work with the government of Rajasthan to make Gram a national event year after year. Thank you. थैंक यू. कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होगा. आपसे निवेदन है, आप कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. हमारा उद्घाटन समारोह संपन्न होता है. आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. आपको बताना चाहेंगे कि शाम 7 बजे इसी स्थान पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया.